स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, वित्त विभाग ने 1 नवंबर 2022 को एक मीटिंग नोटिस निकाला और यहाँ पर 3 नवंबर 2022 साय 3 बजे संविदा कर्मचारियों के जो रूल्स हैं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर इनको अंतर्गत लाने के लिए प्रशासनिक विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए सहमति प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, कुछ विभाग हैं जिन पर प्रशासनिक विभाग से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति मिली है, जिसमें पहला जो विभाग है महात्मा गांधी नरेगा, दूसरा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, तीसरा शिक्षाकर्मी पैरा टीचर और पंचायत सहायक, चौथा है उर्दू शिक्षा सहयोगी और कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी, और पांचवा जो डिपार्टमेंट है NHM यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो पारिश्रमिक निर्धारण को लेकर वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी है, और उक्त योजनाओं और परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों के नियम 3 के अंतर्गत के प्रावधान के अंतर्गत इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने हेतु विभाग स्तर पर निम्न अधिकारियों की समिति गठित किया जाना अपेक्षित है। संबंधित विभाग या संस्था के जो विभागाध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष रहेंगे। संबंधित विभाग संस्था में पदस्थापित संस्थापन संबंधी कार्य के जो प्रमुख है वो सदस्य, और संबंधित विभाग या संस्थान के जो राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी हैं वो यहाँ पर सदस्य रहेंगे। आप देख सकते हैं, संविदा पदों पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने हेतु संबंधी विस्तृत प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करने हेतु शासन सचिव वित्त बजट की अध्यक्षता में 3 नवंबर यानी कि आज साय 3 बजे SSO बिल्डिंग सचिवालय के प्रथम तल पर कमरा नंबर 8124 में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें विभागाध्यक्ष और उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी और समिति के सदस्य की उपस्थिति प्रार्थनीय। यानी कि जो आप देख सकते हैं, इस कमरे में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, यानी कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस प्रकार से संविदा कर्मचारियों का जो एजेंडा है, जो नियम स्क्रीनिंग करते हुए संविदा सेवा नियमों में लिया जाएगा, और इसके बाद में जो स्क्रीनिंग की करके जो नियमितकरण किया जाएगा किस प्रकार से, क्या कुछ जो प्रोसेस रहेगी, इसको लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर किया गया है आज 3 बजे। तो जिसमें जो जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं संबंधित विभागों के, वो इस वर्कशॉप में शामिल होकर जो प्रक्रिया है, जो निर्धारित प्रक्रिया, उसको जानेंगे, और जो धरातल पर जो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद, शिक्षाकर्मी पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायक, उर्दू शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कार्मिक है, जो संविदा कर्मचारी हैं, इनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत ले लिया है, और जो इनके जो प्रशासनिक विभाग हैं इन पर वित्त विभाग द्वारा पारिश्रमिक निर्धारण करने की सहमति प्रदान कर दी गई है। तो दोस्तों, अब जो इनका जो संबंधित विभागाध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, इनके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्या कुछ जो है प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी, ताकि जो संबंधित जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी जो प्रक्रिया अपनाते हुए, इनको जो स्क्रीनिंग करते हुए, इन नियमों के अंतर्गत लेते हुए स्क्रीनिंग कर इनको नियमित किया जाए, और जो मानदेय जो इनका निर्धारण किया गया है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत, वो यहाँ पर इनको समय से मिल सके, और जो संबंधित जो नियम है उनके अंतर्गत ये अडोप आसानी से हो सके, इनको लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।